उत्तराखंड के देहरादून में आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का बिना लाइसेंस के देहरादून में संचालन हो रहा है। ओला उबर एवं ऑटो के थ्री व्हीलर जो कंपनी के साथ समाहित है, इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने पर इन्हें इनके पद से हटाया जाए और जब तक सीबीआई की जांच पूरी ना हो जाए। ऐसा है कि आपने देखा होगा इस प्रदेश में कई वर्षों से ये ओला उबर कंपनी जो है टैक्सी के रूप में संचालित हो रही है। मेरे द्वारा पर्यटन मुख्यालय में एक आरटीआई लगाई गई जिसमें बताया गया कि भाई ओला उबर जो है संचालित हो रही है, किस नियम के तहत हो रही है। तो इनके द्वारा जब मुझे बताया गया कि हमने जो है अभी ओला उबर का जो है हमने इसको संचालन देहरादून में संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया, जबकि इनकी नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आप जब तक आपको एग्रीगेटर का लाइसेंस, जब तक संचालन का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा जब तक आप संचालन नहीं करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने वर्षों से अगर ये संचालन हो रहा है और आरटीओ के, अगर हम तो सीधा कहेंगे कि आरटीओ का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इनकी खुद की 2020 की ऑन डिमांड नियमावली है उसमें सिर्फ जो है टैक्सी संचालन की बात की गई है और यहाँ पर ओला उबर द्वारा जो है ऑटो को भी अधिकृत करके ऑटो को भी अपने संरक्षण में चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा पैसा जो ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इतना मिलना था, जो इनके द्वारा जो है ओला उबर कंपनी के द्वारा बिना नियमों के तहत बिना लाइसेंस लिए जो इन्होंने इतना कमीशन जो है इतनी लाखों करोड़ों रुपए की जो कमीशन उनके द्वारा जो खाई गई है, हमारी सरकार से मांग है कि इनसे वसूली जाए और इस पे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और इसमें देखिए मैं इसके बारे में आपको, मुझे पता नहीं है कि किसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एग्रीगेटर्स के बारे में बता सकता हूँ कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो है, एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की